दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले कंपैरिजन इंटेल कोर i5-10400 का और उसको कंपेयर करेंगे राइजन 5-3600 के साथ में। और मैं आपके लिए इजी बना दूंगा कि आपको इंटेल का कोर i5-10th generation लेना चाहिए या राइजन 5-3600। और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच जाओगे, तो बहुत इजी हो जाएगा चूज़ करना कि कोर i5 लेना है 10th generation या राइजन 3600। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के साथ में, फिर मैं अपना इस पर रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेल कोर i5-10400 की और उसी के साथ में कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट कंपेरिजन होगा यहाँ पर राइजन 5-3600 के साथ में। तो जो इंटेल कोर i5-10400 और जो राइजन 3600 है वो दोनों ही अब आते हैं 6-core 12-thread के साथ में। राइजन 3600 तो पहले से ही था 6-core 12-thread के साथ में, लेकिन अब जो इंटेल का 10th जनरेशन है वो भी आने लगा, सब में हाइपर थ्रेडिंग मिलने लगी, इवन कोर i3 के 10th जनरेशन में और कोर i5 के 10th जनरेशन में। तो अब आपको इंटेल में भी यहाँ पे डबल थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं और 6-core 12-thread आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पहले होता था 9th generation में 6-core 6-thread, अब यहाँ पे थ्रेड डबल हो चुके हैं। तो जो कंपटीशन है वो बहुत यहाँ पे टफ होगा, क्योंकि दोनों में ही अब आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो इंटेल है वो अभी भी आपको तो पता ही होगा कि 14nm++++ पे है, और जो राइजन है वो जेन 2 पे है जो कि 7nm पे बना है। अगर हम बात करें लॉक्ड की मल्टीप्लायर जो उसके होते हैं वो लॉक्ड है या अनलॉक्ड है ओवरक्लॉकिंग के लिए, तो जो इंटेल है वो अभी भी लॉक्ड आता है और जो राइजन है वो अनलॉक्ड है। आप उसको ओवरक्लॉक यहाँ पे कर सकते हैं बायोस के ज़रिए या राइजन मास्टर यूटिलिटी के ज़रिए। तो जो इंटेल है उसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर पाओगे, चाहे आप उसको Z490 में लगा दो या कहीं पर भी लगा दो, वो लॉक्ड है उसका मल्टीप्लायर, तो वो यहाँ पर ओवरक्लॉक नहीं हो पाएगा। और जो राइजन है AMD राइजन वो यहाँ पे अनलॉक्ड है और ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट यहाँ पे ईजिली देखने को मिल जाता है। आपको बस यहाँ पे ईजिली बायोस में जाके जो अमाउंट है जो वैल्यूज़ है उसको चेंज करके आराम से ओवरक्लॉक भी हो जाएगा। अब स्पीड्स की बात करें तो जो स्पीड है वो इंटेल हमेशा AMD से आगे रहा है स्पीड के मामले में, और सिंगल कोर परफॉर्मेंस के मामले में तो जो इंटेल की स्पीड है वो है 4.3 GHz मैक्स बूस्ट, और जो AMD की है वो है 4.2 मैक्स बूस्ट। हालांकि AMD में थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे अनलॉक्ड चिप है तो आप आराम से इसको ओवरक्लॉक करके पूरी परफॉर्मेंस ले सकते हो और इंटेल के बहुत क्लोज पहुँच जाता है और बहुत सारे केसेस में इंटेल को ईजिली बीट कर देगा। अब कैश के साथ आते हैं तो वो भी 10th जनरेशन के साथ में जो कैश आती थी वो भी अब यहाँ पे डबल हो गई है। पहले हमें मिलता था 9th generation 8th generation में 6 MB 4 MB, अब जाके हुआ है यहाँ पे 12 MB कैश इंटेल में। और AMD की बात करें तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है यहाँ पे कैश मेमोरी जो कि 36 MB की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा है और एकदम हैवी वर्कलोड में, एकदम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड में आपको ये बहुत हेल्प करेगा 36 MB की कैश मेमोरी। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे टास्क है गेमिंग है उसमें ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। PCIe Gen की बात करें तो जो इंटेल है वो सपोर्ट करता है PCIe Gen 3.0 और जो AMD है वो सपोर्ट करेगा PCIe Gen 4.0। तो आप यहाँ पे 4.0 के यहाँ पे जो NVMe ड्राइव्स होते हैं और जो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है AMD के तरफ से 4.0 Gen पे बेस्ड वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हालांकि जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है वो यहाँ पे अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। तो इन सब नंबर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, असली जो फ़र्क पड़ता है वो इसके प्राइस से है और जो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है इसके स्पीड से और कोर और थ्रेड से मतलब है। इंटेल की बात करें तो इंटेल सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स 2600 MHz DDR4 रैम को, लेकिन XMP के साथ आप इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 3000 या 3200 के साथ में जा सकते हो ईज़िली। और AMD की बात करें तो AMD सपोर्ट करता है 3200 MHz मेमोरी, लेकिन XMP को एक्टिवेट करके आप 3600 या 3800 के साथ भी यहाँ पे इजीली जा सकते हो।
अब प्राइसिंग की बात कर ले तो जो एक प्राइसिंग होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है कि आपके डिसीजन को पूरा बदल भी सकता है और मतलब कुछ भी कर सकता है। तो प्राइसिंग ही एक चीज़ है वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और प्राइसिंग की बात करें तो जो AMD है वो फ़िलहाल अभी Ryzen 3600 वो आपको ईज़िली 15,500 से लेके 16,000 या 17,000 मैक्स मिल जाएगा। Amazon पे शायद 16,700 का है अभी, और कुछ वेबसाइट पे 1700-600 का है, जैसे MD कंप्यूटर्स। तो सब वेबसाइट पे अलग है, लेकिन एवरेज बोलूँ तो Amazon पे अभी सबसे बेस्ट प्राइसिंग है, 16,700 की Amazon पे प्राइसिंग है। प्राइजेस चेंज भी हो सकती है, तो जो भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार उसको ओपन कर लो और जो Ryzen 3600 है उसकी एक बार प्राइसिंग चेक कर लो। प्राइसिंग चेंज भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, और कुछ भी लेना हो तो वो लिंक से ही लेना, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और मैं यहाँ पे एक दिन आपके लिए असली बेंचमार्क भी लेके आ पाऊँगा। तो ज़रूर अगर कुछ भी लेना है तो नीचे जो लिंक्स दिए गए हैं उसी से लेना। और जो इंटेल की प्राइसिंग है वो यहाँ पे 18,400 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ का एक एवरेज अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब ये जो डिफरेंस है ऑन पेपर स्पेक्स के अगर मैं बेस पे बोलूँ तो ऑन पेपर तो Ryzen 5 3600 ही आगे निकलता है, और जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर होता है उसमें भी जो AMD Ryzen 3600 है वही विन करता है। लेकिन बात करूँ अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की तो इंटेल यहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कम परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको डिफरेंस ना के बराबर देखने को मिलेगा। और इंटेल में आपको स्पीड भी ज़्यादा मिल जाती है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो बोलूँ तो दोनों में कोई इतना बड़ा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपको ओवरक्लॉकिंग में आप इंटरेस्ट रखते हो और ओवरक्लॉकिंग करनी है तो आप 3600 के साथ जाओ, और 6 कोर 12 थ्रेड्स तो दोनों में ही है। तो अब एक ऐसा फैक्टर मैं ला रहा हूँ कि आपके डिसीजन मेकिंग को एकदम ईजी बना देगा, और वो ये है कि अगर आपने पहले AMD यूज़ कर रखा है तो आप इंटेल पे आ जाओ, और अगर आप इंटेल यूज़ कर रहे थे इतने सालों तक तो आप AMD पे स्विच कर लो। तो उससे क्या है, आपको एक नया एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा और एक अलग मज़ा भी आएगा। एक अलग प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करोगे तो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने AMD Ryzen 1200 यूज़ कर लिया 2 साल तक अच्छे से, तो आप जो उसका मदरबोर्ड और CPU कॉम्बो सेल कर सकते हो OLX में, अगर अच्छा प्राइस मिल गया तो बेच के आप इंटेल के मदरबोर्ड और CPU कॉम्बो लेके आप इंटेल पे एक अच्छा खासा बिल्ड बना सकते हो 10 जनरेशन के साथ में। और अगर आप इंटेल पे थे तो इंटेल का मदरबोर्ड और CPU बेच के आप AMD पे आ सकते हो। तो इससे आपको एक नया एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा और एक नए CPU को जानने का भी एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। बाकी अगर एकदम स्पेक्स के मुकाबले बोलूँ तो 3600 ही विन करता है, और जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है वो भी 3600 के पास में ही है। तो इंटेल लेने का कुछ वो तो नहीं बनता, लेकिन हाँ इंटेल के परफॉर्मेंस ये मत सोचना कि आप अगर 2000 एक्स्ट्रा भर के या 1500 एक्स्ट्रा भर के आप इंटेल ले रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस में या कम देखने को मिलेगा। AMD से तो ज़्यादा ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा 10-20%, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है वो AMD के पास में, और उसको ओवरक्लॉक करके भी आप इजीली इंटेल की परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको इंटेल के साथ जाना है तो जा सकते हो, एक नया एक्सपीरियंस के लिए AMD यूज़ कर लिया है तो इंटेल में भी जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही है, और जो भी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरे जो PC के स्पेक्स है, जो मैंने नया PC बिल्ड किया, इसका वीडियो भी आपको आई कार्ड में देखने को मिल जाएगा, और इसके बेस्ट बाय लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी लेना है तो उसी लिंक से लेना, चैनल को यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और अच्छी भी लगी तो उसको लाइक कर देना, और मन में कोई डाउट्स रह गया या कुछ भी सजेशन देना है या कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। एक नया PC बिल्ड मैंने बनाया ये वाला, तो इसका मैं जो मदरबोर्ड यूज़ किया है MSI का B450M Pro M2 Max, उसका भी रिव्यू चैनल पे है, वो भी आपको आई कार्ड में देखने को मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हो। अगर आपको एक AMD 3600 Ryzen 3600 के लिए एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए तो B450M Pro M2 Max MSI के तरफ से उसका मैंने रिव्यू किया है, उसको आप देख सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।